रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल को यूज करते हुए हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं और सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है। तो ये मैंने कुछ डाटा पहले से फीड किया हुआ है ताकि इसको हम क्विकली कर सकें। इसमें हमने कंपनी का नाम लिखा है, सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। एम्प्लॉई कोड आ रहे हैं X11, X112। एम्प्लॉई नेम आ रहे हैं आसिफ, मलिक, जुहेब। इनकी डेजिग्नेशन आ रही है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, अकाउंटेंट है, क्या डेजिग्नेशन है। उसके बाद बेसिक सैलरी आ रही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज बेसिक सैलरी का जो 30% है वो हमारे अलाउंसेस हैं। सो प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी, तो ये हमारा 3000 अलाउंस आ जाएगा। हम इसको कॉपी कर देंगे सारे कॉलम्स में, तो ये सबका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। ओवर टाइम अगर किसी का लगा है तो वो हम ऐड कर लेंगे। सपोज इसका 500 है, इसका 400 है, इसका 100 है, इसका 250 है, 200, 200, और इनका बाकी का भी हम 200 ही ले लेते हैं। टोटल अर्निंग्स, तो इन सब को हम प्लस कर देंगे। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमारी टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। सेम हम इसको सारे को कॉपी कर देते हैं तमाम सेल्स में, तो ये सब की हमारे पास टोटल अर्निंग्स आ गई। प्रोविडेंट फंड, सपोज करें कि एवरीवन कंट्रीब्यूट्स 200, सो हम सबका 200 काट रहे हैं प्रोविडेंट फंड से, तो सबका हम 200 लिख देंगे। टैक्स, जो भी टैक्स की परसेंटेज जिसकी सैलरी पे अप्लाई होती है वो अलग से हम कैलकुलेट करके तो इसमें डाल सकते हैं। सपोज कि हम इसमें से 50 सब की जो है टैक्स डिडक्शन वो हो रही है। इसमें हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, अगर किसी का एडवांस कोई लिया हुआ है कंपनी से तो वो भी डिडक्शन इसमें आ सकती है। टोटल डिडक्शन सेम फार्मूला, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, इसको हम सबको कॉपी कर देंगे। नेट पेएबल निकलाएगा, टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शन, सो ये इसका नेट पेएबल हमारे पास आ गया। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। नीचे हम इसके टोटल कर देंगे, होम पे आएंगे, इसको मर्ज सेल करेंगे, टोटल फार्मूला लगा देंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और एरो की से ऊपर की तरफ, ब्रैकेट क्लोज एंटर, कंट्रोल सी, और यहां सब के नीचे जाके कंट्रोल वी हम पेस्ट कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से हम फॉन्ट साइज इसका सपोज के 14 कर देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से बॉर्डर और उसके बाद साइडों पे थिक बॉर्डर, यहां हम कमा लगा देंगे इसमें, तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग इसकी थोड़ी सी बेहतर हो गई। इसी तरह इसकी हेडिंग को भी हम थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, मर्ज सेल, इसको भी मर्ज सेल सेम, इसको हम थोड़ी कलरिंग कर देते हैं। सपोज कि ये येलो कलर आ जाता है और ये नीचे जो टोटल का है उसका कलर हम थोड़ा ग्रीनिश कर देते हैं, तो ये हमारे पास नेट पेएबल का भी कोई हम कलर अगर देना चाहें तो इसमें हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास सैलरी शीट आ गई। इस सैलरी शीट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सैलरी स्लिप बनानी होती है। सैलरी स्लिप की मैंने एक रॉ फॉर्म बना के रखी है, अब हम मिलके इसको बना लेते हैं। सैलरी कंपनी नेम आ जाएगा, सैलरी स्लिप आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जो भी मंथ आपका चल रहा है सैलरी का वो आ जाएगा। एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, ओवर टाइम, अर्निंग, नेट पेएबल।
एक तो ये है कि हम इसको मैनुअल बनाएं, और दूसरा ये है कि हम इसमें कुछ फार्मूला लगा दें कि एक ही दफा फॉर्मेट बने और सारे एम्प्लॉयज की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो हम वन क्लिक पे निकाल सकें। तो टोटल अर्निंग्स जो होंगी वो इस पे हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं, सम वाला जो हमने ऑलरेडी यूज किया। टोटल अर्निंग्स यहाँ आ जाएंगी, टोटल डिडक्शंस आपकी प्रॉफिट फंड, और टैक्स की डिडक्शन है अगर एडवांस हो तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम थोड़ी शेप दे देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय कोड, एक तो ये है कि हम ये मैनुअल टाइप करें, दूसरा तरीका ये है कि हम इस पे फार्मूला लगा दें। तो हम इस पे फार्मूला लगा देते हैं। हम यहाँ से जाएंगे डेटा में, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन, और इसके बाद लिस्ट, ये ऑप्शंस आ रही हैं, हम इसमें से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये कॉलम सारा सेलेक्ट करेंगे जहाँ एम्प्लॉय कोड आ रहे हैं, और हम इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारे पास सारे के सारे एम्प्लॉय कोड आ जाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि नेम जो है वो भी हमारा ऑटो ही आए, तो ये ऑलरेडी मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, इक्वल वी लुकअप, इसका मैं आपको दोबारा से इसमें लगा के दिखाता हूँ फॉर्मूला, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, कोड को हम सिलेक्ट करेंगे सेमी कॉलन, उसके बाद किस टेबल का डाटा हमें चाहिए इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम आएगा तो नेम यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ रहा है, वैसे तो ये 1 2 3 थर्ड कॉलम में आ रहा है लेकिन जो हमने सिलेक्शन की हुई है उसमें से ये वाला दूसरे कॉलम पे आ रहा है नेम, तो हम इसमें 2 लिखेंगे सेमी कॉलन, 2 सेमी कॉलन, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखें यहाँ पे शुएब आ गया, 115 के अगेंस्ट अगर हम देखें तो ये शुएब है, इसकी डेजिग्नेशन आईटी ऑफिसर की है। सेम हमने यहाँ भी कॉपी कर लिया, यही वाला फार्मूला हमने कॉपी कर लिया और इसमें 2 की बजाय 3 दे दिया। अब हम इसको सेम फार्मूले को कॉपी करेंगे, जो बेसिक सैलरी आ रही है वो हम कॉलम देख लेते हैं कि कौन से कॉलम में आ रही है, बेसिक सैलरी आ रही है कॉलम नंबर 4 में, तो यहाँ हम सिंपली कॉलम नंबर 4 कर देते हैं, 4। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो कॉलम नंबर 5 में आ रही है तो हम यहाँ 5 अपने फॉर्मूले में 5 कर देंगे। एक दफा फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ओवर टाइम वाले कॉलम में इसको करते हैं, ओवर टाइम जो हमारा आ रहा है वो छठे कॉलम में आ रहा है, सिक्स्थ कॉलम में, तो हम इसमें 6 कर देंगे। सेम जो हमारा प्रोविडेंट फंड आ रहा है वो हम देख लेते हैं, प्रोविडेंट फंड हमारा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें कॉलम में आ रहा है, तो हम इसमें यहाँ इसको कॉपी करेंगे फार्मूला और हम इसको 8 कर देंगे। सेम टैक्स वाला जो हमारा है वो 9th में आ रहा है तो हम इसको 9 कर देंगे। अब ये सब की जो अर्निंग है वो ऑटो आ रही है, हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लें उसके बाद हम दूसरे जो लोग हैं उनका भी चेक कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉमा ऐड कर देंगे, थोड़ी इसकी लुक जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी, टोटल पे हम इसको कलर दे सकते हैं, और कोई भी आप इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट है, हम इसको सिंपल लेके चलते हैं, इसको हम अटैलिक में कर देते हैं, हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कंट्रोल यू से, कंट्रोल आई से अटैलिक में। यहाँ से अब हम चेंज करके देखते हैं, तो हम नंबर 113 सेलेक्ट करेंगे तो पर्सन चेंज हो जाएगा, जुहेब अकाउंटेंट, इसकी डेजिग्नेशन बेसिक सैलरी अलाउंसेस, ये सेम
जो है वो